नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी। हमारा क्वेश्चन आ 50 माइक्रोफैरेड कैपेसिटी इज चार्ज फ्रॉम 200 वोल्ट सप्लाई। आफ्टर बीइंग डिस्कनेक्टेड इट इज इमीडिएटली कनेक्टेड इन पैरेलल विद द 30 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर विच इज इनिशियली अनचार्ज। यानी दोस्तों 50 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर को हमने चार्ज किया और उसके बाद पैरेलल में हमने एक 30 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर और लगा दिया जो कि चार्ज नहीं था, तो ये 50 माइक्रोफैरेड वाले कुछ एनर्जी इसको चार्ज करने में लग जाएगी। दोस्तों कुछ ऐसा ही है, एक टैंक आपका भरा हुआ है, एक टैंक खाली है और आप उसको लगा देंगे साथ में, तो उस जो भरे वाले टैंक का कुछ पानी है इस छोटे वाले टैंक में, इसमें शिफ्ट हो जाएगा। दोस्तों तो वही हमसे कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। तो उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा जब इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे दूसरे वाले कैपेसिटर को। और इसके बाद हमसे पूछ रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पहले कितनी एनर्जी थी दोस्तों कैपेसिटर में जब 50 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर चार्ज था, और उसके बाद जब कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक 30 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर भी लगा दिया, उस वक्त एनर्जी कितनी बची? जाहिर सी बात एनर्जी कम हो जाएगी, तो एनर्जी उसको चार्ज करने में लग जाएगी। आइए देखते हैं, क्यू इक्वल टू सी इंटू वी होता है दोस्तों, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, या वी इक्वल टू क्यू बाई सी होता है दोस्तों। ये आ जाएगा आपका 0.01 कूलम। ये पहले था दोस्तों, पहले इतनी एनर्जी थी, पहले इतना चार्ज था दोस्तों कूलम में, और बाद में पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने एक दूसरा कैपेसिटर लगा दिया 30 माइक्रोफेरेट का। पैरेलल में आप जानते हैं सीधे सीधे जुड़ जाते हैं कैपेसिटेंस, तो 50 और 30 80 माइक्रोफेरेड। तो अब चार्ज क्या हो जाएगा, अब वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना रह जाएगा दोस्तों? टोटल तो चार्ज आपका इतना ही है 0.01 कूलम, उसका कुछ आप दूसरे कैपेसिटेंस में आपका शिफ्ट हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस दोस्तों गिर जाएगा, वो अब सिर्फ 125 वोल्ट रह गया है। और अगर एनर्जी की बात करें दोस्तों तो वो होता है कैपेसिटर के केस में हाफ सी वी स्क्वायर। जैसे आपका काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, कुछ वैसा ही एनालॉजी आप समझ लीजिए हाफ सी वी स्क्वायर। वहाँ मास रहता है यहाँ, और यहाँ पे कैपेसिटेंस है, वहाँ वेलोसिटी, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। तो ये दोस्तों पहले एनर्जी थी 200 वोल्ट 50 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर, 1 जूल एनर्जी थी दोस्तों। वहीं जब दूसरा कॉम्बिनेशन में एक 30 माइक्रोफेरेट का लगा दिया तो हमारा वोल्टेज काफी गिर गया, सिर्फ 125 वोल्ट रह गया, जिसके कारण दोस्तों एनर्जी भी हमारी कम हो गई, 0.625 जूल की एनर्जी रह गई दोस्तों। इसमें हमने देखा एनर्जी और चार्ज इन केस ऑफ कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर सीरीज में होता तो आप उसको भी दोस्तों कैलकुलेट करें। आप ये समझ लीजिए ये 30 वोल्ट का सीरीज में लगा दिया तो फिर क्या आएगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखें। धन्यवाद।